नमस्कार, इस वक्त हम हैं इंदौर की सब्जी मंडी में। चोइथराम सब्जी मंडी है ये, जहाँ पर लगातार जो प्याज की आवक है उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति है, या फिर किस तरह की स्थिति जो प्याज के व्यापार में आने वाले समय में बनती नजर आएगी, उससे रिलेटेड बात करने के लिए हमारे साथ व्यापारी हैं। उनके पास सीधे चलेंगे, उनसे बात करेंगे कि प्याज के व्यापार में वर्तमान में किस तरह की स्थिति जो है नजर आ रही है, और आने वाले दिनों में क्या कुछ संभावनाएं प्याज के व्यापार को लेकर के जो है जताई जा रही है। आपका बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि प्याज जो है एक महत्वपूर्ण सब्जी माना जाता है, यदि हम बात करें तो प्याज एक ऐसी सब्जी है जिसने कई सरकारें गिरा भी दी, कई सरकारें बना भी दी। वर्तमान में किस तरह की स्थिति हमको प्याज को लेकर के देखने मिल रही है, चूंकि ये जो समय है प्याज की आवक का समय है, क्या कुछ दाम अभी चल रहे हैं और किस तरह की आवक प्याज में हमको देखने मिल रही है? हर साल के मुकाबले ये साल प्याज का उत्पादन कुछ कम है, परंतु जो प्याज का लोगों की तरफ रुझान है वो तेजी का है, इसलिए हर क्षेत्र के अंदर व्यापारी ने, गांव में किसानों ने प्याज को स्टॉक किया हुआ है। इस समय प्याज की निकासी का जो समय है, फिर भी मंडी में आवकें नहीं बढ़ रही हैं, उसका मुख्य कारण ये है कि गांव के अंदर किसानों ने माल को रोक लिया है। हर व्यक्ति तेजी में बैठा हुआ है, अब आगे तो भविष्य बताएगा। वैसे गवर्नमेंट ने जो नीति अपनाई है, एक्सपोर्ट तो खोल दिया है, परंतु 40% जो ड्यूटी उस पर लगाई है उसकी वजह से एक्सपोर्ट खोला नहीं खोला बराबर है, एक्सपोर्ट में माल जा ही नहीं रहा है। इसलिए बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है कि जिस समय किसानों को दो पैसा कमाने का समय है, उस समय किसान डाउनिंग में जा रहा है, उसमें निराशा बढ़ती जा रही है, और उसके स्टॉक के प्रति भी मतलब अब उसका रुझान कम हो रहा है। और यदि हम बात करें तो प्याज के दाम जो है हर साल एक अलग स्थिति में पहुंच जाते हैं, क्योंकि अभी तो ठीक है, लेकिन आने वाला समय होगा जब प्याज के दाम बढ़ सकते हैं। कभी कभार हमने देखा है कि 100 रुपये किलो तक प्याज पहुंच गया है, उसके बाद भी जो है उससे ज़्यादा भी पहुंच गया है। क्या लगता है अब की बार जिस तरह की स्थिति बन रही है, जिस तरह की आवक वर्तमान में है, आने वाले समय में प्याज के दाम बढ़ सकते हैं या फिर स्थिर रहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव या मेरे को याद है, 100 रुपये किलो कभी भी प्याज नहीं गया थोक में, 60-70 रुपये किलो तक गया, उसके बाद फिर डाउनिंग आता चला गया। रहा सवाल ये साल का, ये साल लोग तेजी में हैं, हर साल 8-10 रुपये किलो के आसपास के बाजार रहते हैं, जो अभी 14-16 रुपये की पोजीशन चल रही है। कुछ किसानों ने 18 रुपये तक का भी खरीद के रखा है उम्मीद पे। बाकी ये बात सही है कि अगर एक्सपोर्ट खुलता है और कुछ समय बाद जब ये स्टॉक का प्याज निकलने की स्थिति आएगी, तब बाज़ार बढ़ना चाहिए। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 25-35 रुपये का बाज़ार हाईएस्ट जाएगा, क्योंकि स्टॉक पिछले साल के मुकाबले कुछ ज़्यादा हुआ है, लोगों ने रोका है, उत्पादन शुरू में कम निकला, परंतु बाद का जो उत्पादन निकला है, होली बाद का उत्पादन कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छा निकला है, स्टॉक भी अच्छा हुआ है, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि 25-35 किलो के आसपास ही प्याज का बाजार चलना चाहिए। और यदि बात करें तो अब की बार मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ नजर आया, लगातार मौसम बिगड़ने के कारण क्या प्याज की फसल पर कोई खास असर पड़ा, और यदि पड़ा तो फिर इसका क्या कुछ असर जो है आने वाले समय में दाम पर हमको देखने मिलेगा? देखिए, प्याज की फसल दो तरह से प्रभावित है। जो फरवरी महीने के अंदर जनवरी में जो प्याज में पानी बारिश हुई थी, उसकी वजह से कुछ प्याज जो जल्दी लगी थी वो ख़राब हुई हैं, रोपा ख़राब हुआ है, उससे लगा भी कम है, तो वो उत्पादन कम आया है। परंतु जो बारिश के बाद का, अर्थात मतलब जो होली बाद प्याजें निकली हैं, जो मार्च अप्रैल में प्याजें निकली हैं, वो अच्छी निकली हैं, उत्पादन भी अच्छा मिला है और स्टॉक भी अच्छा हुआ है। यदि हम बात करें तो इंदौर में अभी वर्तमान में प्याज की क्या स्थिति है, कितनी आवक हमारे पास रोजाना हो रही है और किस तरह की डिमांड हमारे पास प्याज की है? इस समय इंदौर के अगर प्रॉपर फसल की बात करें तो इस समय हमारे पास में 60-70 हज़ार बोरा रोज आता था, जो मुश्किल से 10-15 हज़ार बोरा रोज आ रहा है। उसका मुख्य कारण है कि प्याज स्टॉक में गया। अब थोड़ा बहुत प्याज जो 35-50 हज़ार के बीच में आ रहा है, तो वो महाराष्ट्र के इलाके से प्याज आ रही हैं, जो कि इस समय में नहीं आती हैं, तो उन लोगों को भी मतलब बाहर कहीं कोई ले नहीं रहा है, प्याज जा नहीं रही है। जिनका प्याज कुछ हल्का पड़ गया है या जिनको पैसों की ज़रूरत है, वो किसान बेच रहे हैं। इस हिसाब से मंडी में 30 हज़ार से लेके कभी कभी 50 हज़ार तक की आवक बन रही है। जहाँ तक भाव का सवाल है, बाहर इस भाव में कहीं पड़ता नहीं बैठ रहा है, सब दूर महाराष्ट्र का प्याज जा रहा है,
और इंदौर के प्याज का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो बाजार इस समय मंदी की ही और है, बाजार में अभी तेजी नजर नहीं आती और आने वाले भी 15-20 दिन मुझे तेजी नजर नहीं आती। निश्चित तौर पे तो हमारे साथ थे आलू प्याज जो मंडी है उसके अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि आने वाला जो समय है उसमें तेजी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी या आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल प्याज की आवक के दौर में लगातार हो रही है और इसी के चलते दाम में भी उतार चढ़ाव की स्थिति देखने मिल रही है। इंदौर की चोइथराम फल और सब्जी मंडी से नमन मटके।